हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज के वीडियो में आरआरबी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेई के लिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आज के वीडियो में 12 क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 12 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ के लिखा गया है कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि TCS एग्जाम करा रहा है और TCS के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार घुमा के रिपीट किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन इधर उधर चेंज रहता है, तो उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए जब तक एग्जाम चलेंगी तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप जब बाहर निकलेंगे कहेंगे हाँ सर ने प्रैक्टिस कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन की उसी टाइप के प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा आप यहाँ पे लिखा 30 में 30, हम टारगेट बना के चलेंगे 30 में 30 करने की, और मोटिवेशन के साथ हर एक वीडियो करेंगे। और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। तो आज का जो मोटिवेशन है वो है, जब तक हम अपने कर्मों की काबिलियत पर विश्वास नहीं रखते तब तक हम सफल नहीं होते। तो वही कहा गया है, जो अपने कर्मों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुँचे। तो आपको भरोसा रखना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तभी आप मंजिल तक पहुँचोगे। ठीक है, तो उसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि जाह्नवी 125,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली कुल राशि कितनी होगी। तो इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम इसको ऐड कर देंगे, वही हमारी राशि होगी। ठीक है, कुल राशि कितनी अदा करती है, अगर जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो हम ब्याज के फॉर्मूले से लगाते, लेकिन हमको यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, यानी कि हमारा जो ब्याज आएगा यानी कि CI प्लस हमारा जो हमारा मूलधन होगा वो उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा हो जाता है। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज में हम ये ऐड कर दें तब भी आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, हमको पता है 125,000 है, 2 वर्ष के लिए दिया, तो पहला वर्ष होगा ये, दूसरा वर्ष ए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता है, ब्याज पे ब्याज, तो आपको पता होना चाहिए कि 125,000 8% की वार्षिक ब्याज दर से लेगा। अगर जो 125,000 है पहले वर्ष कितना 8% है, तो 125,000 का अगर जो हम 8% निकालेंगे तो हमारा 10,000 होगा, कितना होगा 10,000। अगर जो हम निकालते हैं 125,000 तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा। क्या हमारा, देखें यहाँ से अगर जो हम करेंगे इसको बटे 100 करेंगे, ये गुड़िया ये 0 से 0 कट गया हमारा, और 1250 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 10,000। ठीक है, तो हमारा पहले वर्ष हो गया, हमारा ब्याज 10,000। आपको पता होना चाहिए पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सेम होता है। तो पहले वर्ष का हमारा 10,000 हो गया, दूसरे वर्ष हमारा साधारण ब्याज के हिसाब से देखें तो दूसरे वर्ष भी हमारा कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा 8% की दर से 125,000 पर। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होता है, दूसरे वर्ष हमारा इस पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन दूसरे वर्ष इस वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो हम 10,000 का 8% निकालेंगे तो हमारा ये 002 से कट जाएगा, तो ये हमारा 800 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,000 20,000 20,800, कितना आएगा 20,800। ये हमारा देखिए क्या आंसर नहीं आया, ये हमारा निकल के आया CI, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि यानी कि मिश्रधन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 125,000 में क्या करेंगे, हम ये वाली राशि जोड़ देंगे 20,800 जोड़ेंगे अगर जो, तो हमारा क्या आ जाएगा 1,45,800। तो ये ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1,45,800 रुपये, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है एक सिंपल तरीके से सॉल्व करने के बिना फार्मूले के। ठीक है, फार्मूला अगर जो आता है फार्मूले से सॉल्व करें, बिना फार्मूले के सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज PQR, क्या बना है, त्रिभुज PQR बना है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे पी बराबर दिया है, पी क्यू बराबर दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर दिया है 8 सेंटीमीटर। आपसे आपको दिया ये पी क्यू आर जो है 90 अंश है, तो आपको यहाँ पे पी आर ये आपको ज्ञात करना है, पी आर कुछ नहीं करना आपको, इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर जो आपको याद है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, ये आपको कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको पता अगर जो इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये कड़ी में चला जाएगा, तो वही है ये कड़ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आप सारी चीज़ें पुटअप कर दो जो दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा
पी क्यू पी सॉरी पी आर आपको ज्ञात करें तो पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा, पी क्यू दिया 6 तो 6 स्क्वायर 36 हो गया, और क्यू आर अब दिया 8 दिया तो 8 स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, आपका हो गया कड़ी में 100, कड़ी में 100 बराबर 10 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है 10 ये आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिक्त स्थान भरना है, साइन ए बराबर दिया, देखिए यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर रिक्त स्थान है गुणे कॉस ए, आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे एल एच एस आर एच एस बराबर कर दो, ठीक है तब बताइए यहाँ पे क्या ऐसा पुट करें कि कॉस कॉस करके यहाँ पे साइन ए आ जाए, ठीक है तो आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है तो टेन थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं या टेन थीटा पुट करेंगे अगर जो टेन थीटा, ठीक है तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस कॉस से ये कट जाएगा तो बचेगा साइन ए बराबर साइन ए, तो हम यहाँ पे टेन ए पुट कर सकते हैं जिससे ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो टेन ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, उसके बाद 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते, ठीक है 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या दिया है, मालूम करें कि कितने छात्र यहाँ पे दूध पीते हैं, ठीक है देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको पता है कुल टोटल 54 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 54 छात्र हैं, अब आपको पता है 24 छात्र क्या पीते हैं दूध पीते हैं प्लस 28 छात्र क्या पीते हैं चाय पीते हैं और दोनों कितने छात्र पीते हैं 8, इनको ऐड करेंगे और 54 हटा देंगे जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, दूध व चाय दोनों पीने वाले छात्र, इसको जोड़ेंगे हमारा 60 आ गया, 60 माइनस 54 ये हमारा 6 निकल के आ गया, यही हमारा राइट आंसर होगा, 6 लोग हमारे ऐसे हैं जो चाय और दूध दोनों पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया 1440 और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का सीपी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है 20% का लाभ कमा रहा है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 हो गया और ये 120 कितना है 1440 के बराबर है, तो आपको क्या निकालना है 100 निकालना है यानी कि सीपी निकालना है, तो यहाँ पे 120 का भाग देंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो आपको यहाँ से एक कट जाएगा और 12 इक्न्ने 12 और यहाँ पे दो बचा 12 दो 120 गुणे 10 ये 1200 रुपये निकल के आंसर आ गया और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है सिंपल तरीके से सॉल्व करना है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी और जे के आपके सीबीटी वन में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं सिंप्लीफिकेशन करना, आपका ये कह सकते हैं हम आपका सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है कह सकते हैं, ठीक है बोर्ड मास रूल भी इसमें हो सकता है लग जाए, ठीक है अभी देखिए ये क्वेश्चन है 0.04x बराबर दिया है 0.608, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, x का हमें मान निकालना है, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाना है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है आपको पता है यहाँ पे देखिए 3x में से 0.04x डायरेक्ट आप घटा सकते हो, ठीक है सॉरी यहाँ पे जोड़ना है यहाँ पे जोड़ना है तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3.04x कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है तो आप जोड़ेंगे जो 3.04x आ जाएगा बराबर 0.608 आएगा, अब ये 3.04 ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मतलब x के बराबर 0.68 बटे 3.04 इसको आप काटेंगे पीटेंगे, ठीक है तो आपका आएंगे 0.2 क्या आएगा 0.2 आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कुछ नहीं सिंप्लीफिकेशन कर देना आंसर निकल के आ जाएगा, अब आपके ऊपर है आपका सिंप्लीफिकेशन कितना फास्ट है कितनी तेज़ी से आप करते हो, ठीक है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी उतना आपको एडवांटेज रहने वाला एग्जाम में उतना तेज़ी से आप कर पाओगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो जिससे आपकी स्पीड तेज़ हो फास्ट हो। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, इसमें मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा कुछ नहीं करना आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है अब देखिए एक तरीका मैं बता देता हूँ 0.05 है गुणे 0.4 है, ठीक है इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, आप ये देखिए दो अंक पे दशमलव है, ठीक है आप कर दो 5/100 लिख सकते हो कि नहीं नीचे दो जीरो, इसमें एक अंक पे दशमलव है तो 4/100 कर 4/10 कर सकते हो, ठीक है अब 520 हो गया और ये बटे 1000 हो गया
अब ये जीरो से जीरो कट गया, अब देखिए दो 100 है तो दो अंक पे दशमलव लगा दो, तो एक जीरो लगा के ये लगा दो 0.02, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन तरीके से मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, तो दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ये हो गया, इस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको आप आसानी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसमें क्वेश्चन दिया है 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं और एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जाती है। आपको पता अगर जो 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएंगे, ठीक है, और 40 दिन में कोई पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो 7 × 40 करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि पुस्तक में कितने पेज है। तो हम 7 × 40 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 728, 280 पेज है पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने आपके पेज पढ़ने होंगे। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या निकाला 768, आपको पता 280 पेज है और कितने दिन में पढ़ना, 8 दिन में पढ़ना है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 280/8 करोगे, सॉरी 280/8 करोगे, यहाँ पे 35 निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल तरीके से आपने पेज पता कर लिया, कितने टोटल पुस्तक में पेज है, उसमें 8 से भाग दे दिया, तो आराम से आपका निकल गया कितने दिन में वो पुस्तक पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन, यदि x² + y² कर्ली में है बराबर 25 तो और y = 2x दिया, तो x की वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे पहला काम करो, दोनों और स्क्वायर करो, दोनों और स्क्वायर करोगे तो ये कर्ली हट जाएगी, तो x² + y² बराबर हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर 625। इसको लिख देते हैं, सॉरी ये स्क्वायर कर्ली हट गया, तो हमारा x² + y² बराबर हो गया 625। कितना आ गया, 625 आ गया, 25 का स्क्वायर किया। ठीक है, अब हमारा दिया है y = 2x दिया है, क्या दिया है y = 2x, हम इसमें y = 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² + 4 हो गया और यहाँ पे हो गया x² = 625। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x² है हमारा और 4x² ये हमारा हो जाएगा 5x², हम 5 को नीचे लाएंगे तो x² बराबर हो गया 625/5, ये हम काटेंगे तो हमारा 125 आ गया, तो ये हो गया x² = 125 और x बराबर हो जाएगा √125, तो हमारा क्या आ गया √125। अब इसको और अगर जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा 5√5 आ जाएगा, ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो √125 है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है, तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि a अनुपाते b बराबर दिया है 2:5, b अनुपाते c दिया आपका 3:4, तो a अनुपाते c आपको निकालना है। तो इसका एक तरीका है, आपको पता है a/b बराबर दिया है 2/5 और क्या दिया है b/c बराबर दिया है 3/4, आप क्या करो दोनों का मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो a/b × b/c ये हो जाएगा 2/5 × 3/4, आपको पता है b से कट गया तो a/c हो गया और यहाँ पे 2/5 है 3/4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3×6/520 और ये हो गया 3/ हो जाएगा आपका 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक तरीका और है, आप देखिए ये 2:5 है और a/b और क्या दिया b/c, बी आपका बी के नीचे लिखो 3:4, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई कर दो 15 आ गया और इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो 3×6 और यहाँ पे हो गया 520, इसको आप काट दो फिर आपका वही निकल के आ जाएगा 3:10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वो बिजली के खंभों में कितने समय में पार गई। यहाँ पे देखिए ट्रेन का सवाल, स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है, उसमें ध्यान रखिएगा जो यूनिट होनी चाहिए दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है, ये मीटर में दिया तो ये भी मीटर में, तो सबसे पहला काम आप परिवर्तन करोगे,
आपको 80 किलोमीटर पर घंटे दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे, क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 80 में क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वही है क्वेश्चन, क्या दिया है 80 किलोमीटर पर घंटे रेलगाड़ी की रफ्तार है और रेलगाड़ी 400 मीटर सॉरी हाँ रफ्तार है और रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभों में कितने समय में पार करेगी। तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो आपको पता है दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पे 400 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी हो गया, 400 बटे क्या दिया हमारा समय, ये दूरी बटे चाल है यहाँ पे फार्मूला, चाल 80 किलोमीटर पर घंटे दिया है तो हम इसको क्या बटेंगे मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको काटे पीटेंगे तो वही हमारा आंसर निकल के आएगा 18, क्या आ जाएगा 18 सेकंड। ठीक है, यहाँ से देखिए 8 से ये कट गया और 8 से ये 8/5 हो गया और 5 से 5 कट गया, ये हमारा 18 सेकंड आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे 18 सेकंड है। तो दोस्तों ये थे 12 क्वेश्चन आपके टोटल मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट है, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।